नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोगों के राज्य बोर्ड में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपको कहा है परवलय y square equals to 4ax एवं रेखा y equals to mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक परवलय की बात की गई है और एक रेखा की बात की गई है। तो परवलय और रेखा के बीच घिरा क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। ग्राफ तो बनेगा, लेकिन पहले ये बताइए कि ये परवलय किस प्रकार का होगा। परवलय ऐसा भी दिखता है और ऐसा भी दिखता है। ये वाई अक्ष के अनुदिश होता है और ये एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। तो ये वाला परवलय कौन सा होगा, ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा या वाई अक्ष के अनुदिश होगा? आप जानते हैं जब y स्क्वायर बराबर 4ax होता है तो ये किसके अनुदिश होता है, ये x अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, आप अगर कंफ्यूज भी होते हैं तो यहाँ पे मान रख के देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 मिलेगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4a मिलेगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 8a मिलेगा। ठीक है, ऋणात्मक में भी ऐसी होगा। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये किसकी है, ये एक परवलय की है जो x अक्ष के अनुदिश होगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे वो हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। और जो ये रेखा है y बराबर mx, ये कैसी रेखा होगी? ये एक ऐसी रेखा होगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। y बराबर x के रूप में आपके पास कोई भी रेखा होती है तो वो मूल बिंदु से होकर जाती है और m का मान डिपेंड करता है कि आपको जो भी दे रखा हो उस हिसाब से वो उतनी दूरी पर या उतने कोण पर झुकी रहती है ना। तो यहाँ पे m के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आप इस प्रकार से एक रेखा बना देंगे जो y बराबर mx को निरूपित करती है। तो इस प्रकार से आप एक y बराबर mx की रेखा बना देंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों के बीच का ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे बताइए। आप जानते हैं कि समाकलन किस काम आता है, समाकलन किसी भी वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल बताता है ना। इस प्रश्न में यहाँ पे दो वक्रों की बात की गई है, एक परवलय की और एक रेखा की। अगर हम इस रेखा को इस प्रकार से मिला दे तो यहाँ पे आप ये वाला क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये प्लस ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, परवलय द्वारा घिरा क्षेत्रफल कौन सा होगा, x अक्ष के अनुदिश। आप समझना इस बात को, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, ये है मूल बिंदु। इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इन दोनों वक्रों को हल करके मिलेंगे। तो चलिए रफ में हम इसको हल करके देखते हैं। तो y बराबर mx एक वक्र है हमारे पास और y स्क्वायर बराबर 4ax दूसरा वक्र है। यहाँ से अगर y का मान हम यहाँ रखते हैं तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल तो x का मान कितना आएगा, 4a अपॉन m स्क्वायर। और ये x का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें y का मान क्या मिलेगा, m इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल तो ये आएगा 4a अपॉन m। तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु था इसके निर्देशांक क्या मिले, 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m, ये इसके निर्देशांक है। और अगर इस बिंदु के निर्देशांक ये है तो ये बताइए, अगर हम इस बिंदु से लंब डालते हैं x अक्ष पर तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 0, यही होंगे।
तो क्या हम इस परवलय द्वारा घिरा ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, हम ये निकाल सकते हैं। बताइए कैसे? किसी वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल उसके समाकलन से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसे बिंदु O, इस बिंदु को A, इसे B और इस बिंदु को C बोलें, तो यहाँ पे O A B C O का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बराबर 0 से 4A अपॉन m स्क्वायर। आपको कहां से कहां तक का क्षेत्रफल चाहिए? इस वक्र द्वारा इस सीमा के बीच का क्षेत्रफल चाहिए ना? तो आपने यहाँ पे इस वक्र की समीकरण का समाकलन करना है और यहाँ पे जो सीमाएं रहेंगी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर रहेंगी। अब देखिए, यहाँ पे सीमा किसकी लगाई है? x अक्ष की। इधर आपका अवकलज भी x का होगा, dx आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वक्र की जो समीकरण थी y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ से आपको कौन सा मान निकाल के रखना है? यहाँ से आपको वो मान चाहिए जो x के पदों में होगा। तो y का मान x के पदों में क्या आएगा? रूट 4ax। तो इसका जो फलन यहाँ पे आप लिखेंगे वो लिखेंगे रूट 4ax। ठीक है, इतनी बात। तो इसको हल करके क्या मिलेगा? समाकलन 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर, ये होगा रूट 4a, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर भी ले सकते हैं, और ये होगा रूट एक्स डी एक्स। आगे आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 4a एक्स की घात 1/2। आप जानते हैं समाकलन एक्स की घात n dx का सूत्र क्या होता है? एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है। ये सूत्र हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इसमें ये सीमाएं लगा देंगे 0 से लेकर 4a अपॉन m स्क्वायर तक। आप इसको हल करेंगे आगे तो रूट 4a 1/2 प्लस 1 3/2, एक्स की घात 3/2, और नीचे जो 3/2 था इसको हम यहाँ पे 2/3 लिख देते हैं, और सीमाएं लगाएंगे इस पे 0 से लेकर 4a अपॉन m स्क्वायर की। ठीक है, तो अब इसको और हल करेंगे। ये आएगा रूट 4 को आप रूट से बाहर लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2, 2 को 2 से गुणा करने पर आएगा 4, 4 अपॉन 3 रूट a। और यहाँ पे जब आप सीमाएं लगाएंगे तो x की जगह लिखेंगे 4a अपॉन m स्क्वायर, और इस पूरे की घात होगी 3/2 माइनस 0 की घात 3/2 बराबर 4 रूट a अपॉन 3, और इसको आप क्या लिखेंगे? ये देखिए, 4a की घात 3/2 का मतलब है 8 a रूट a अपॉन m स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा m की घात 3। इसको थोड़ा सा आप हल कर सकते हैं, क्या मिलेगा हल करके? 8 फोजा 32, रूट a इंटू रूट a हो जाएगा, a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3m³। ये आएगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल जो इस परवलय द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए ये लाल वाला क्षेत्रफल। हमने निकाला ये पूरा क्षेत्रफल। अब इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, कौन सा? जो ये रेखा द्वारा घिरा हुआ है ओ ए बी ओ, ये वाला क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हम ये निकालेंगे ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल बराबर समाकलन, यही रहेगी सीमाएं 0 से 4a बाय m स्क्वायर तक की, और आपको फलन क्या चाहिए इस बार? ये रेखा, रेखा की समीकरण थी y बराबर mx, तो यहाँ पे आपका जो फलन बनेगा वो बनेगा mx dx। आपको इसका समाकलन निकालना है, इसका जो समाकलन आएगा वो ये वाला क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप हल करेंगे, m को ले लेंगे बाहर, समाकलन 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर x dx, x का समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जो अपॉन का 2 है हम यहाँ बाहर ले लेते हैं,
और इसमें सीमा लगेगी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर तक, तो इसको हम लिखेंगे m अपॉन 2। और x स्क्वायर पे जब आप ये सीमाएं लगाएंगे तो पहले आएगा 4a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर m अपॉन 2, इसका स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर का स्क्वायर मतलब m की घात 4। इसको थोड़ा हल करेंगे तो एक m से ये m कटेगा तो यहाँ बचेगा m क्यूब, 2 से 16 कटेगा तो यहाँ बचेगा 8। तो जो ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल है कितना आया, इसका क्षेत्रफल बराबर 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। ये वाला क्षेत्रफल आया जो इस रेखा द्वारा गिरा है, और इससे पहले हमने निकाला था परवलय द्वारा गिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये था वो परवलय द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ओ ए बी सी ओ। हम जानना चाहते हैं इस परवलय और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये जो लाल वाला छायांकित भाग है हमें ये निकालना है। ये भाग क्या है, ओ ए बी ओ। आप कहेंगे क्षेत्रफल ओ ए बी ओ बराबर, ये बताइए जब हम इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल आएगा ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल। यही तो किया ना, पहले इस परवलय द्वारा घिरा ये वाला क्षेत्रफल निकाला, फिर इस रेखा द्वारा घिरा ये वाला क्षेत्रफल निकाला। इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल है 32 ए स्क्वायर अपॉन 3 एम क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 एम क्यूब, यहाँ आएगा 32 ए स्क्वायर माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 24 ए स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर, 8 ए स्क्वायर अपॉन 3 एम क्यूब। ये आया ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक दीर्घवृत्त की समीकरण दी गई है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, इसका मतलब एक्स अक्ष पर ये बिंदु ए पर काट रहा है, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब वाई अक्ष पर बिंदु बी पर काट रहा है, और आपको ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पूरे क्षेत्रफल को नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इतना क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम इसे बिंदु ए बोल रहे हैं और इसे बिंदु बी बोल रहे हैं और ये बिंदु ओ है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुना इस वाले क्षेत्रफल के, कौन सा, ओ ए बी ओ, क्षेत्रफल ओ ए बी ओ। इस वाले क्षेत्रफल का 4 गुना करके हमें ये पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि क्षेत्रफल ओ ए बी ओ निकाला कैसे जाए। ये जो क्षेत्रफल है ये दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना, और कहां से कहां तक घिरा हुआ है ये, अगर हम देख रहे हैं एक्स अक्ष के अनुदिश तो ये 0 से ए तक का घिरा हुआ है, और अगर हम देख रहे हैं वाई अक्ष के अनुदिश तो ये 0 से बी तक का घिरा हुआ है। आप किसी भी अक्ष के अनुदिश देखकर उसी के हिसाब से सीमाएं लगाकर उसका फलन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स अक्ष को देख रही हूँ, तो यहाँ पे जो सीमाएं आएंगी वो एक्स अक्ष की आएंगी 0 से ए तक, और अगर सीमाएं एक्स अक्ष के लिए है तो यहाँ पे अवकलज भी एक्स का आएगा, और अवकलज एक्स का आया इसका मतलब यहाँ पे फलन भी एक्स का आएगा। और जो हमें समीकरण दी है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हमें वाई का मान एक्स के पदों में निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसको लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हमें तो चाहिए इस वाई का मान, तो
तो यहां पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बराबर, इस बी से इधर गुणा कर सकते हैं तो ये बी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व किया होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई का मान क्या आएगा, रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसका जब आप रूट करेंगे तो बाहर आके बी अपॉन ए हो जाएगा और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा। तो ये जो y का मान हमारे पास आया है ये हम यहाँ पे रखेंगे b अपॉन a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करके हमें ये वाला क्षेत्रफल मिलेगा, इसके एक भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, और जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। तो इसके एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसको हम चार से गुना कर देंगे तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे b अपॉन a बाहर ले लेंगे, समाकलन 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप जानते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, आप यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका जो समाकलन होता है वो होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस वाले सूत्र का प्रयोग करके हम इसका समाकलन आगे करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल आएगा ओ ए बी ओ बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए बी अपॉन ए तो बाहर है, अब इसका समाकलन आप लिखेंगे एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इतना आएगा, लेकिन यहाँ पे हम प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, यहाँ पे आप सीमाएं लगाएंगे 0 से a तक, राइट। अब इसको हल करेंगे हम तो ये आएगा b अपॉन a, पहले हम यहाँ पे रखेंगे उच्च सीमा तो ये होगा a अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आप a रखेंगे तो a अपॉन a हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये होगा 0 प्लस, इधर आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। अब बताइए ये किसके बराबर होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो का मान जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा साइन इनवर्स वन का मान कितना होता है पाई बाय टू, तो इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स वन होगा पाई बाय टू, तो ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये होगा पाई ए बी अपॉन 4, ठीक है। ये किसका मान आया, ये क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का मान आया, और हमें करना है इसका चार गुना क्योंकि हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप क्या देंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू पाई ए बी अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ गया पाई ए बी, ये आया हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पार्वलय 4ay बराबर एक्स स्क्वायर और इसके नाभिलम से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे आपको एक परवलय दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए ये परवलय कौन सा है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है या वाई अक्ष के अनुदिश है, आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो इसका मतलब ये वाई अक्ष के अनुदिश है, तो ये परवलय हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा जो कि वाई अक्ष के अनुदिश है और इसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके नाभिलंब मतलब हमें यहाँ पे इस प्रकार की एक, ये इसका नाभिलंब है जिसके द्वारा घिरा हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले क्षेत्रफल में आप जानते हैं जितना क्षेत्रफल यहाँ होगा उतना ही क्षेत्रफल ये वाला भी होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं
कि पहले भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसका दुगना कर दे और फिर पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाए, तो इसे हम कह सकते हैं O, इस बिंदु को कह सकते हैं A और इस बिंदु को B। तो आप यहाँ पे कहेंगे परवलय और इसके नाभिलंब से घिरा क्षेत्र बराबर कितना होगा, इसको आप दो गुना लिख सकते हैं क्षेत्रफल ओ ए बी ओ के। ओ ए बी ओ का जो ये क्षेत्रफल है इसका दो गुना करके आपको ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। आप जानते हैं कि जो परवलय है उसकी समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, इसका मतलब ये जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक क्या रहे होंगे, जीरो कॉमा ए, ठीक है। और ये वाला बिंदु जो ए है इसके लिए ये वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, टू ए कॉमा ए, और इसके माइनस टू ए कॉमा ए, राइट। अब हम जानना चाहते हैं क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। आप यहाँ पे y अक्ष के अनुदिश करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, आप y अक्ष की जो सीमाएं लेंगे, मतलब अगर आप इस प्रकार से करेंगे क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे समाकलन करेंगे जीरो से a तक की तो सीमा लेना चाह रहे हैं हम, और ये जो सीमाएं हैं ये y अक्ष की है तो हमने y का ही यहाँ अवकलज लिया, और इस समीकरण से हम x का मान y के पदों में निकाल के यहाँ फलन लिखेंगे रूट फोर ए वाई, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करना शुरू करते हैं, तो ये रूट फोर ए को हम बाहर लेके आते हैं इस समाकलन से, तो ये होगा टू रूट ए समाकलन जीरो से a, और ये है रूट y, मतलब y की घात एक बटा दो डी वाई। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा y की घात तीन बटा दो, और अपॉन में भी तीन बटा दो है, इसको भी ऐसा कैसा लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप सीमाएं लगाएंगे जीरो से a की। अब जब आप ये सीमा इस पे लगा देंगे तो ये तो हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर अपॉन थ्री रूट a, और यहाँ पे y के स्थान पर पहले रखेंगे a, तो a की घात तीन बटा दो माइनस जीरो, तो पूरा हल करके आपको क्या मिला, फोर अपॉन थ्री ए की घात तीन बटा दो प्लस एक बटा दो कितना हो जाएगा, तो है ना। तो ये फोर अपॉन थ्री ए स्क्वायर ये किसका क्षेत्रफल मिला, ये एक भाग का क्षेत्रफल मिला, और अगर आप पूरा क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो उसको दो से गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अतः परवलय और उसके नाभिलंब से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दो गुना हो जाएगा, दो गुना किसका, क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का, और क्षेत्रफल ओ ए बी ओ किसके बराबर आया, फोर अपॉन थ्री ए स्क्वायर के, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा एट अपॉन थ्री ए स्क्वायर के बराबर आएगा, राइट। रेखा x बराबर a अपॉन रूट टू द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से काटे गए भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दो वक्र कौन से दिए हैं, एक दी है रेखा और एक वृत्त, राइट। हमें इन दोनों के बीच का छोटे वाला क्षेत्रफल निकालना है। आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास एक ही वृत्त होगा और इस वृत्त को ये रेखा काट देगी, तो यहाँ पे एक भाग हमें बड़ा मिलेगा और एक भाग छोटा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे प्रश्न में साफ तौर पे दिया है कि छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये रेखा और ये वृत्त किस प्रकार के होंगे। एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू दे रखा है। आप जानते हैं कि अगर x बराबर a के रूप में कोई रेखा होती है तो वो कैसी होती है, वो y अक्ष के समांतर होती है, और अगर y बराबर b के रूप में कोई रेखा होती है तो वो x अक्ष के समांतर होती है, जानते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमें रेखा दे रखी है वो x बराबर a के रूप में दे रखी है, राइट। तो इसका मतलब ये जो रेखा बनेगी ये y अक्ष के समांतर बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि रेखा वाई अक्ष के समांतर बनेगी, लेकिन समांतर किस और बनेगी? यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, और जहां भी बनेगी तो कितनी दूरी पर बनेगी, ये डिपेंड करता है कि एक्स बराबर हमें क्या मान दिया हुआ है। हमें यहाँ दिया है एक्स बराबर प्लस ए अपॉन रूट टू। प्लस का मतलब हमें एक्स अक्ष पर धनात्मक और देखना है, धनात्मक दिशा में ए अपॉन रूट टू दूरी पर ये रेखा बनेगी। तो यहाँ पे मूल बिंदु से दाई ओर हमें ए अपॉन रूट टू इकाई पर वाई अक्ष के समांतर ये रेखा बनानी होगी। अब हम बात करते हैं कि इस वृत्त की ये वृत्त कैसा होगा। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में कोई वृत्त दे रखा हो तो वो वृत्त के केंद्र कहाँ होंगे? इस प्रकार के वृत्त के केंद्र मूल बिंदु पर होते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से हमें पता चलती है, यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग होता है। इस समीकरण में त्रिज्या का वर्ग मतलब हमें a का वर्ग दे रखा है, इसका मतलब जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, a इकाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि वृत्त कैसा बनेगा और ये भी पता चल गया कि रेखा कैसी होगी। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे वृत्त हमें कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, जिसमें ये वाले जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ये वाला निर्देशांक होगा a कॉमा जीरो और ये वाला निर्देशांक होगा माइनस a कॉमा जीरो। आप जानते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमें पता है a इकाई की है, तो मूल बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या है a, इस वजह से ये वाली जो दूरी है वो हमने a ली है, और x अक्ष के ऊपर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक x कॉमा जीरो के रूप में लिखे जाते हैं, तो ये वाले निर्देशांक होगा a कॉमा जीरो, और यहाँ पे ऋणात्मक अक्ष पर माइनस a कॉमा जीरो। राइट, अब हम बनाएंगे इस रेखा का ग्राफ। इस रेखा का ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि x बराबर a अपॉन रूट टू दे रखा था, ये पूरी दूरी a है, तो आप जानते हैं a अपॉन रूट टू a से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि a को आप किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो उसका मान छोटा ही आएगा ना, a से तो कम ही आएगा, तो इसका मतलब a अपॉन रूट टू इससे छोटा होगा तो इसके अंदर आएगा, तो ये वाला निर्देशांक हो गए a अपॉन रूट टू कॉमा जीरो। अब हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि इस रेखा ने इस पूरे वृत्त को जिन दो भागों में विभाजित किया है उसमें आपको छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छोटे वाला भाग ये है, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना होगा। आप ये भी जानते हैं कि ये जो हमें क्षेत्रफल निकालना है उसका ये जो पहला और दूसरा भाग है ये दोनों कैसे है, सममित है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल भी निकाल लें तो उसका दुगना करके हमें दूसरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मिलेगा कैसे। हम यहाँ पे इन बिंदुओं को नाम दे सकते हैं, इसको कहेंगे बिंदु A, B, C, D, ठीक है, A, B, C, D हमने इसको नाम दिया, तो हम कह सकते हैं A, C, B, D का क्षेत्रफल बराबर C, A, B, C का, ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ये बताइए जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल ये है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी ए का क्षेत्रफल का दो गुना। अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसका दो गुना कर दें तो हमें ये मिल जाएगा पूरा क्षेत्रफल, है ना। तो अब हमारा एजेंडा है कि हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। आप देख रहे हैं कि वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल ए से लेकर बी तक की सीमा का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप समझे, अगर हम इस वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं और कहां से कहां तक का, सीमा ए अपॉन रूट टू से ए तक का, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। राइट, तो आप कह सकते हैं ए बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर समाकलन a अपॉन रूट टू से लेकर a तक का, और हमने यहाँ पे सीमाएं x की ली है तो यहाँ पे अवकलज भी x का लेंगे, और फिर वृत्त की समीकरण में हम y का मान x के पदों में निकालेंगे। अगर आप y का मान x के पदों में निकालेंगे तो क्या आएगा, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का मान आ जाएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो y का मान आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
वो हम यहाँ पे रख देंगे। इसको आप लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब आगे तो आप जानते ही हैं, सिर्फ समाकलन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और इसका हल हो जाएगा। इसका समाकलन आप लिखेंगे एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका समाकलन करने के बाद हम यहाँ पे इसकी सीमाएं लगा सकते हैं। सीमाएं है ए अपॉन रूट टू से ए तक। अब क्या करना है, अब बस उसकी सीमाएं यहाँ पे लगा के इसका हल कर देंगे और जो इसका उत्तर आएगा उसका दोगुना करके आपको इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे इसकी उच्च सीमा रखेंगे, तो उच्च सीमा रखने पर हमें मिलेगा ए अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू ए अपॉन ए वन हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन। ये है उच्च सीमा। अब माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा है ए अपॉन रूट टू, आप यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा ए अपॉन टू रूट टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है ए अपॉन रूट टू तो मतलब ए स्क्वायर अपॉन टू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू। इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मान है ए अपॉन रूट टू अपॉन ए मतलब वन अपॉन ए, कैंसिल होके वन अपॉन रूट टू आ जाएगा। ये आई निम्न सीमा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। साइन इनवर्स वन का मान क्या होता है, पाई बाय टू, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन टू पाई बाय टू माइनस ए स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो ये ए आएगा, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू, टू 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 जा फोर, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू का मान क्या होता है, पाई बाय फोर, ये आएगा पाई बाय फोर। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन फोर पाई माइनस ए स्क्वायर अपॉन एट पाई, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एट पाई माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। आप चाहे तो ए स्क्वायर अपॉन फोर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय टू माइनस वन। ये जो हमें क्षेत्रफल मिला ये ए बी सी ए मतलब एक भाग का क्षेत्रफल मिला, पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका दोगुना करना पड़ेगा, राइट। तो आप कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दो गुना करना पड़ेगा किसका, इसका ए स्क्वायर अपॉन फोर पाई बाय टू माइनस वन, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय टू पाई बाय टू माइनस वन, राइट। ये इसका क्षेत्रफल आएगा।